अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुना मरियम एंड वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ग्लैम ब्यूटी। जी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई है ना, डीएम्स करती हैं लड़कियाँ कि हाँ भी मुझे आपकी जो हमने वीडियो देखी है उसमें आपके हैंड्स वगैरह बड़े साफ हैं, कोई टिप दे दें हमें, ये वो सर्दियाँ जाने वाली हैं, ठीक है, आप टिप अब कब देंगी आप। मैंने कहा ठीक है जी, आज या कल तक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है, उसको देखेगा एंड फॉलो करिएगा इन टिप्स को, ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली बात ये है कि विंटर्स में जो है ना, विंटर्स में सबके ख़राब हो जाते हैं हाथ, ठीक है, लेकिन अगर केयर की जाए तो वो हाथों को यानी कि आप ज़्यादा ख़राब होने से रोक सकते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। उन केयर में क्या शामिल होता है, उस केयर में ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अब मैं आपको टिप्स जो बताऊँगी वो आप फॉलो करेंगे, हैंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, लाइन्स पड़ जाती हैं, ठीक है। एंड में जाके मैं वो लाइंस का भी बताऊंगी कि आप लाइंस को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, रिंकल्स वगैरह को किस तरह से, यानी कि आप अपनी हैंड्स के रिंकल्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें चाहिए फेयरनेस, हैंड वाइट हो जाए हमारे और अच्छी हो जाए, सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाए, ठीक है। उसके लिए आपने मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। हैंड वाइटनिंग चाहिए ना, चले जी फिर वाइटनिंग चाहिए तो फिर लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, चलते अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो है हमारा हैंड वॉश, ठीक है। आप कोई भी हैंड वॉश यूज़ करते हैं, आप डव का यूज़ करते हैं या आप लाइफ बॉय का यूज़ करते हैं, कोई भी सेफगार्ड यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने वो जो मिलता है ना, आपने वो समझ लें कि उसके मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, हैंड वॉश की बॉटल है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या ऐड करना है, ब्लीच का जो पाउडर होता है ना, ब्लीच का पाउडर, एक स्पून ब्लीच का पाउडर यूज़ करना है और एक स्पून जो है ग्लिसरीन यूज़ करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके उसके साथ आपने हैंड वॉश किया करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम बर्तन भी धो लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बच्चे भी होते हैं किसी के, ठीक है, वो बच्चे भी संभालती हैं, उनके हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए ये फर्स्ट स्टेप है हैंड वॉश किस तरह से करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड आपने क्या करना है, आपने हमें चाहिए स्पून और एक बाउल, ठीक है। बाउल में मैंने शुगर ले लिया है, आपको चाहिए एक हाफ स्पून शुगर, वन स्पून आपको शुगर चाहिए, ठीक है, वन स्पून शुगर ले ली हमने। और अब इसमें हमने ऐड करना है वन टीस्पून हमने ग्लिसरीन यूज़ करनी है। सबसे पहले मैं क्वांटिटीज बता देती हूँ एंड यानी कि डाल के फिर आती हूँ, ठीक है। वन स्पून शुगर, ठीक है, वन स्पून ग्लिसरीन एंड वन स्पून हमने लेना है, ये क्या कहते हैं, इसमें मैंने डाल के रखा हुआ है ये कोकोनट ऑयल, ठीक है। वन स्पून शुगर, वन स्पून ग्लिसरीन, वन स्पून हमने लेना है ये क्या कहते हैं कोकोनट ऑयल एंड हमने लेनी है वन स्पून हमने लेनी है एलोवेरा जेल, ठीक है। जो है तीन हमें विटामिन ई के कैप्सूल चाहिए, वो भी हमने इसके अंदर ऐड करना है, ऐड करके आके फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। ये जो आप रेमेडी यूज़ करेंगे ना, आपने क्या करना है, 10 मिनट के लिए आपने इसको, 5 मिनट के लिए मसाज करनी है और 10 मिनट के लिए आपने इसको लगे रहने देना, ठीक है। उसके बाद आपने हैंड्स को वॉश कर लेना, उसके बाद आपने कोई सा भी मॉइस्चराइजर लगा लेना, ठीक है। जैसे इसको इतना मिक्स करना है, अब ये मैं रेडी करके आ गई हूँ, ठीक है। अब आपने इसको इतना मिक्स करना है कि क्रीमी फॉर्म में आ गए, ठीक है, मिक्स करना, ठीक हो गया, मिक्स कर लिया हमने, पीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं एंड 15 डेज के लिए एक ईजिली आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। और आपने इसकी स्क्रबिंग कैसे करते हैं, चले आए जिससे स्क्रबिंग करते हैं। बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, इंस्टेंट रिजल्ट्स जो होते हैं ना वो आपको शेयर किए मैंने आपके साथ। लाइव रिजल्ट्स यहाँ पे आज पता नहीं यार, बहुत ज़्यादा मुझे ना ये चोट लग गई थी, लोहे का ना कुछ फिर गया था तो बहुत ज़्यादा मुझे ना दर्द है आज ना, तो ये इसको इग्नोर करें, इस वजह से मैंने इस हाथ पे नहीं किया क्योंकि मुझे ना इधर आज जलन हो रही है। अच्छा जी, स्क्रबिंग हमने कर ली, आप देख सकते हैं मेरे हाथ कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, मुझे खुद को पता चल रहा है जी मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने कोई सा भी जॉनसन्स बेबी लोशन ले लें या कोई भी लोशन को तो आपने 24 आवर्स के लिए अपनी हैंड्स पे अप्लाई करके रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी हैंड्स जो हैं अच्छे हो जाएंगे। आप वैसलीन लोशन भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं यूज़ करी आप वो यूज़ करें, ठीक है। आपकी निविया की क्रीम है तो आप निविया की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, कोल्ड क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं ये रेमेडी यूज़ कर रही हूँ ये ज़रूर आपने यूज़ करनी है जो मैं यूज़ करी, ठीक है। ये अच्छे तरीके से मैं अपने हैंड्स पे अप्लाई कर लिया। क्या करना है, रात के टाइम आपने करना है, रात के टाइम आपने कोई सी भी जो बेटनोवेट है वो अपने हैंड्स पे अप्लाई करनी है। मैं ये आपको ये वाली बेटनोवेट सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाली यूज कर लें, ये वाली बेटनोवेट हल्की सी हैंड्स पे ये इस तरह से ड्रॉप लिया और उसको अपने इस तरह करके और अपने हैंड्स पे अप्लाई कर लिया, ठीक है।
ठीक हो गया, ये यूज़ कर लिया आपने हैंड्स पे। इन चीज़ों का इतना बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेगा ना, वन वीक नहीं तो आपको डेढ़ हफ्ते के अंदर, मैं कहती हूँ कि आपको डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर ना बहुत माइंड ब्लोइंग आपको ना रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मेक श्योर अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा बगैर मत जाइएगा, एंड अगर टिप्स अच्छी लगे फॉलो करिएगा, और टिप्स अगर अच्छी लगे तो मेरी कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा एंड सब्सक्राइब करिए बगैर मत जाइएगा, ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। मैं आपको बताना था कि रिंकल्स, यानी कि रिंकल्स के लिए क्या आप कह रही थी ना, रिंकल्स के लिए बताएं। रिंकल्स के लिए यार देखें, आपने कोई सा भी अंडा ले लेना है, अंडे की जर्दी नहीं लेनी, अंडे की सफेदी आपने निकाल लेनी है, ठीक है। अंडे की सफेदी निकालने के बाद आपने उसको यानी कि अच्छे तरीके से फेंट लेना है, ठीक है। आप उसको बेकिंग जो सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, उसके साथ आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि वो क्रीमी फॉर्म में आ जाए। जब वो क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा ना, आपने वो वाला मास्क अपने हैंड्स पे अप्लाई करना है। जब अपने हैंड्स पे वो अप्लाई करेंगे ना, तो उसको आपने क्या करना है, 15 मिनट के बाद अपने अपने हैंड से उतारना है, और आपको इंस्टेंट ना आपकी जो स्किन है ना, वो खिंची खिंची फील होगी, बहुत ज़्यादा टाइट फील होगी, ठीक है। और अगर टाइट फील हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।